से कुम्मा आए हुए सभी महानुभावों का, सभी आगंतुकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। खेती करना संभव है, इसलिए पशुधन की अच्छी, हमारे वैज्ञानिक अच्छे पशुधन का विकास करें, हाइब्रिड में नहीं, क्योंकि आपने देखा है कि हमारे HFI जिसने हमारे देश के सारे पशुओं की व्यवस्था को, गाय की व्यवस्था को बिगाड़ दिया है, उसकी बजाय अपने देसी जो नस्ल है, चाहे गिर है या साहिवाल है या यहाँ की जो लोकल जो नस्ल होती है, उसको सुधार किया जाए, उसके दूध की मात्रा उसमें बढ़ाई जाए प्रयोग करके, और उसके साथ खेती को जोड़ा जाए, यही मैं आपसे सब वैज्ञानिकों से उम्मीद करता हूँ। पोल्ट्री भी रख सकते हैं जिससे कुछ ना कुछ आमदनी आपको साल भर मिलती रहे। यही देखा गया है कई जगह जो किसानों की आत्महत्या की कई बार खबर आती हैं, जहाँ पर ये मिश्रित खेती या इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं किसान, वहाँ पर उस तरीके का दबाव कभी नहीं आता, क्योंकि साल भर कुछ ना कुछ आमदनी होती रहती है। कि मैंने जितना सोचा है उससे ज़्यादा सोचने की सामर्थ्य आपके अंदर है, उससे ज़्यादा प्रतिभा संपन्न आप हैं। आपने अपनी जिंदगी को एक तपस्वी की तरह किसी विश्वविद्यालय में लगाया है, लेकिन ये किसी कोर्स कंटेंट का फॉर्मेट ना बनकर रह जाए, ये नेचर को उसी डिजाइन में देखे जिस डिजाइन में नेचर सजी हुई है। ये जैविक खेती भारत के लिए और विश्व के भविष्य की कृषि के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसकी इकोलॉजिकल बैकलैश का टाइम आ गया है, वो वैसे नहीं है। एक दूसरी भी मान्यता थी कि भारत में ऐसे बहुत से जगहें हैं जहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आ सकता, पहाड़ एक बहुत अच्छा उदाहरण है, पहाड़ी कृषि एक बहुत अच्छा उदाहरण है। उसके लिए जब खोज रही तो मुझे ऐसे किसान मिले, हमने एक शब्द कॉइन किया, न्यू एज फार्मिंग, 2020 से 50 के बीच में क्या बदलाव आने वाला है। वो फार्मर कौन होंगे, उन फार्मरों में दो आपके सामने आज पेश किए हैं, पद्मश्री चौहान साहब और पद्मश्री त्यागी जी। उस सोच को हमने फिर तक पहुंचाया। हमारा किसान इतना उद्यमी है और इतना सिंसियर है कि आप उसको, चाहे वो अनपढ़ भी हो, उसको आप जौन सी नई तकनीकी बता कर देते हैं, हमारे वैज्ञानिक वो रात दिन उसमें हार्ड और परिश्रम करके उस तकनीकी से वो अच्छा से अच्छा उत्पादन करना चाहता करके देता है। इस मेले में जो कुछ भी होता है उन सभी चीज़ों को जो मेले में नहीं आए होते हैं जन जन तक पहुँचाना हमारे प्रेस और मीडिया का दायित्व होता है। उसके भी बहुत सारे भाई बंधु हमारे यहाँ पर पधारे हैं, विश्वविद्यालय के आयोजन समिति की ओर से मैं उनका भी धन्यवाद अदा करता हूँ। एकदम ताज़ा भोजन घर की तरह उपलब्ध हो आप लोगों को, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा है। और दो चीज़ें नई भी इंट्रोड्यूस की हैं, एक तो जो है लड्डू की रेसिपी बदल दी, और आलू के गुटके जो पहाड़ी चलते हैं भांग की चटनी के साथ, हाल ही में 80 रुपीज़। उसमें दाल, एक रसे वाली सब्जी, एक सूखी सब्जी, वो सलाद और अचार, चावल और रोटी, चार रोटी और चावल। अगर कोई चाहता है कि हमें थोड़ा मतलब भूखे रहेंगे तो वो दोबारा ले सकता है थोड़ा बहुत। अभी आप यहाँ भोजन कर रहे हैं? हाँ जी, महिला क्लब में। हाँ जी। कैसा खाना लगा? बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना है।